अभी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तालिबान। जहां पहले अफगानिस्तान का नाम सुनाई दिया जाता था, आज उसकी जगह तालिबान आ बैठा है। और काबुल में कब्जा करते ही इतना हो हल्ला हो रहा है मानो तालिबान ने पंजशीर में ही कब्जा जमा लिया हो। वैसे इसकी भी देर रात कोशिश की गई थी, पर पंजशीर के लड़ाकों ने जिस तरह तालिबान की आवभगत की है उसने तालिबान की ऐसी हालत कर दी है कि अब उन्हें मुंह छुपाने की जरूरत पड़ने लगी है। ये तो आप जानते होंगे कि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जो पीस डील होने की चर्चाएं हो रही थी वो अब टूट चुकी है। और ऐसा होते ही तालिबान ने अपने लड़ाकों का जत्था पंजशीर की ओर रवाना कर दिया। और खबर अब यह है कि पंजशीर के विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया और 300 तालिबानियों को मार भी गिराया है। यहाँ हम आपको बता दें कि पंजशीर के विद्रोहियों ने ना सिर्फ 300 तालिबानियों को मार गिराया है बल्कि कईयों को तो बंदी भी बना लिया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने हाफिजुल्ला के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था, लेकिन बगलान प्रांत की अंदराब घाटी में घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 300 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है और इससे तालिबान का तो सप्लाई रूट भी ब्लॉक हो चुका है। ऐसे में तालिबान को आगे चलकर सप्लाई की दिक्कतों से गुजरना होगा। अब तालिबान ये सोच रहा है कि कैसे नॉर्दर्न अलायंस को हराया जाए, और ऐसा सोचना भी जायज है क्योंकि अगर तालिबान ने महीने भर के अंदर कुछ नहीं किया तो आगे चलकर नॉर्दर्न अलायंस का साथ देने दुनिया की बड़ी ताकतें आ जाएंगी। और ये जरूरी भी नहीं है कि सामने से, अगर वो पीछे से भी नॉर्दर्न अलायंस का साथ हथियार सप्लाई करने और हवाई हमले से भी सहायता करती है तो तालिबान की रीढ़ की हड्डी टूट जानी है, क्योंकि इस बार जो तालिबान का तोड़ किया जाएगा वो जड़ से ही किया जाएगा जो शायद वो कभी ना भूल सके। क्योंकि अब पूरी दुनिया ये जानती है कि तालिबान क्या है और वो क्या कर सकता है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है तभी से पंजशीर घाटी में विद्रोही लड़ाके जुटना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले और बल्क प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ियां भी हैं। और इन सारी बातों से एक बात साफ हो जाती है, तालिबान नॉर्दर्न अलायंस से डरता है, विद्रोही गुट पीछे नहीं हटेंगे। अमरुल्ला साले देश के कार्यवाहक नहीं बल्कि असली राष्ट्रपति हैं। ऐसा लगता है कि पंजशीर ही तालिबान के लिए काल साबित होगा।